तो हम आज लेक्चर शुरू कर रहे हैं गंगा की व्यवस्था के स्वरूप। ये जो चैप्टर है वो 11 में कक्षा 11 कॉमर्स और चैप्टर है 5वां गंगा की व्यवस्था के स्वरूप। आज लेसन शुरू कर रहे हैं गंगा की व्यवस्था के स्वरूप का। और इसमें देखो हमने पढ़ा कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है मतलब स्वरूप क्या है, हम कैसे उसको शुरू करते हैं, कैसे हमें क्या क्या करना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई क्या करनी पड़ती है, किस तरीके से प्लान सेट करना पड़ता है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें मतलब स्टाफ की व्यवस्था किस तरीके से करनी है, और हम सोच सकते हैं कि अर्थ व्यक्तिगत मालिकी व्यक्तिगत जो मालिक होता है उसको क्या क्या करना पड़ता है, और सबसे पहले स्थापना विधि। तो सबसे पहले आती है स्थापना विधि। स्थापना विधि बिल्कुल सरल है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू कर सकता है, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, वो इंसान बिजनेस शुरू कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई योग्यता नहीं है। अगर धंधे में रुचि है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसा भी हो बिजनेस कर सकता है। आखिरकार पूंजी, अगर कोई भी इंसान अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको अल्प पूंजी यानी थोड़ी सी पूंजी में भी वो बिजनेस शुरू कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। और पैसे की गुप्तता, अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसका जो रहस्य है मतलब उनके जो विचार है वो उनके जो विचार है वो लीक नहीं होने चाहिए, मतलब आगे कहीं पर भी वो आगे नहीं जाना चाहिए। वो अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके जो प्लान है वो गुप्त रहना चाहिए। निर्णय लेना, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हम निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से हम करना है, किस तरीके से हम करेंगे तो फायदा होगा, तो वो किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो शीघ्र निर्णय लेना, उसका निर्णय भी लेना है, अच्छी मानसिकता, अच्छा सोच विचार, स्टाफ की मीटिंग रखकर वो निर्णय ले सकता है। व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क का मतलब होता है कि उसको नेटवर्किंग बढ़ाना, व्यक्तियों से तालमेल बैठाना, अच्छे अच्छे मतलब जो बिजनेस चलाते हैं शॉप चलाते हैं उनका भी अच्छा तालमेल बैठना जरूरी है, कॉन्टेक्ट रहना जरूरी है। परिवर्तनशीलता, किसी भी बिजनेस में व्यक्तिगत मालिक और संचालन में व्यक्तिगत मालिक की परिवर्तन संयोग के साथ साथ मालिक अपने व्यापार के आर्थिक परिवर्तन को बहुत ही सरलता से कर सकता है। निर्णय शीघ्र निर्णय और सतत आस्थागति के कारण धंधा में परिवर्तनशील कर सकता है। तो वो बिजनेस में जो मालिक है वो चाहता है कि परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन कर सकता है। आगे अगर व्यक्तिगत मालिक के धंधा की आय मालिक की होती है अर्थात उस पर व्यक्ति द्वारा करने वाले आयकर की दर लागू होती है, सामान्य रूप से व्यक्तिगत मालिक के धंधा का कर लागू होने से आय कम होती है। तो धंधा अगर छोटा है, धंधा अगर कम चल रहा है तो वो कर का अल्प बोझ होना चाहिए होता है। तो अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए
अल्पकालीन नियंत्रण, अल्पकालीन नियंत्रण बिजनेस में धंधा में कानून ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, उसमें नियंत्रण हो सकता है और व्यापार व्यवस्था के अन्य स्वरूपों की तुलना में व्यक्तिगत मालिक पर कानूनी नियंत्रण कम होते हैं। पूंजी में कमी वृद्धि करने के लिए किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूंजी में कमी वृद्धि करने के लिए मालिक को मतलब किसी की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर किसी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हो गया अपने सरल स्तर में विधि। यह लाभ हमने जो पढ़े थे वो लाभ है, ठीक है, सरल स्थापना विधि है। अल्प पूंजी चाहिए, रेशियो की गुप्तता, कोई भी थोड़ा आता है दिमाग में तो वो शेयर नहीं होना चाहिए, फिर निर्णय ले सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क अच्छा होता है, परिवर्तनशील करना करते रहना चाहिए, कर का अल्प बोझ और अल्प कानूनी नियंत्रण। तो ये सब लाभ है आपको देखने के लिए।